दोस्तों, जब आप किसी नए लोग से मिलते हैं तो उससे कनेक्ट करने के लिए, केमिस्ट्री बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 90 सेकंड से इससे कम टाइम होता है। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है और अगर कोई चीज हमें शुरुआत के कुछ सेकंड्स में इंटरेस्टिंग नहीं लगती है तो हम उससे मूव ऑन कर जाते हैं। जैसे यूट्यूब में जो एड्स आती है, अगर आपका 5 सेकंड में इसमें इंटरेस्ट नहीं बनता तो आप इसे स्किप कर देते हैं। इसी तरह से जब आप लोगों से पहली बार मिल रहे होते हैं तो आपके पास काफी कम समय होता है एक अच्छा इंप्रेशन बनाने का, और ये फर्स्ट इंप्रेशन कई बार लास्ट इंप्रेशन भी होता है। आपने भी कुछ लोगों के साथ फील किया होगा कि कैसे उनसे मिलते ही आपका एक सॉलिड कनेक्शन बन जाता है, जबकि बाकी लोगों के साथ कोशिश करने पर भी आप अच्छे से बात नहीं कर पाते और हमेशा कुछ मिसिंग लगता है। ये कुछ मिस हो रहा है ऐसी फीलिंग या फिर ऑकवर्ड साइलेंस आपके कॉन्वर्सेशन में कभी ना आए, इसके लिए आपको बस 3 स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन को मास्टर करना होगा। पहला है मीटिंग, दूसरा है रैपो और तीसरा है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये आपको मदद करेगा आपकी कम्युनिकेशन को मास्टर करने में और लोगों के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बनाने में। एक बोनस टिप भी आपके लिए इस वीडियो के एंड में, तो देखते रहें। मीटिंग यानी जब आप लोग एक दूसरे को देखते हैं और बात शुरू होने ही वाली होती है। रैपो यानी कि मीटिंग के बाद का 90 सेकंड का विंडो, और कम्युनिकेशन यानी एक रैपो बन जाने के बाद आप कैसे बात को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम देखते हैं पहला पार्ट जो है मीटिंग। जैसे ही आपका किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट होता है, आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, आने वाले कुछ मिनट्स में सामने वाले के साथ आप एक अच्छा रैपो क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं, इसका टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है एक केमिस्ट्री बनाने का, एक मक्खन जैसी कॉन्वर्सेशन करने का, और इसके 5 पार्ट्स होते हैं। ये सारे पार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम बाद आप नेचुरली इसे यूज करते करते सीख जाएंगे। पहला है ओपन बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो इनवाइटिंग हो, इससे लोगों को लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली और सिंसियर हैं। ओपन बॉडी लैंग्वेज का एग्जांपल है ब्रॉड या चौड़े शोल्डर्स, ज्यादा जगह लेकर खड़ा होना, अपने हाथ को फोल्ड ना करना, एक्सेट्रा। ओपन बॉडी लैंग्वेज का उल्टा होता है क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, यानी कि गिरे हुए शोल्डर्स, थका हुआ चेहरा, सिकड़ी हुई बॉडी, एक्सेट्रा। क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है और लोगों को लगता है कि वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के साथ आप जब भी मिलते हैं, एक ओपन बॉडी लैंग्वेज से मिले। दूसरा पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। आई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में, आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उनसे आई कॉन्टैक्ट रख के बात करने की कोशिश करें, इससे उनको पता चलता है कि आप जेन्युइनली उनकी बातें सुन रहे हैं। अगर आपको आई कॉन्टैक्ट करना अनकंफर्टेबल लगता है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो आप उनके आईब्रोज के बीच में भी फोकस कर सकते हैं। इससे आप आई कॉन्टैक्ट से नर्वस भी नहीं होंगे और सामने वाले को लगेगा कि आप उनसे आई कॉन्टैक्ट ही कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट का उल्टा है नो आई कॉन्टैक्ट, यानी कि पूरे समय इधर उधर देखना, बातों पर ध्यान नहीं देना। आप खुद सोचे कि आप किसी से पहली बार मिले हैं, आप उसको अपनी बातें बता रहे हैं और वो यहाँ वहाँ देख रहा है या फिर अपने फोन में बिजी है, तो फिर आप उसे खुलकर बात नहीं कर पाएंगे और वो जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं होगा आप दोनों के बीच में। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि 100% टाइम आई कॉन्टैक्ट रखना जरूरी नहीं है, उनको घूरना जरूरी नहीं है। ऐसा करने पर वो आपसे डर सकते हैं या तो आपको क्रीपी भी समझ सकते हैं। इसलिए ये आई कॉन्टैक्ट आप एक कंफर्टेबल ड्यूरेशन के लिए रखें और बीच बीच में आप थोड़ा टाइम उनके साइड पर देख सकते हैं और फिर से आई कॉन्टैक्ट पर वापस आ सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है कि आप इंथुजियास्टिक होकर हाय और हेलो बोले और खुद को इंट्रोड्यूस करें। आप पहले हाय बोलने में संकोच ना करें। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप एक आदत बना लें कि सबसे पहले आप ही उससे हाय बोलेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी को सामने से इंथुजियाज्म से हाय या हेलो बोलेंगे तो वो भी आपको इंथुजियाज्म से ही हाय या हेलो बोलकर रिप्लाई करेंगे। इस हाय के साथ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और अपना कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ हाय बोलेंगे तो आपको भी सामने से रिप्लाई हाय आएगा या हेलो ही आएगा। आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि आप आगे क्या बोलें। इससे बचने के लिए आप अपने बारे में एक लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाय, मेरा नाम शुभम है, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। अब सामने वाला पर्सन भी आपको अपने बारे में कुछ बताएगा, जैसे कि मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं कार्टून्स बनाती हूँ। इसके बाद इन टॉपिक्स को यूज करके आप और भी बात कर सकते हैं, जिसको हम आगे और डिटेल्स में देखेंगे कम्युनिकेशन सेक्शन में। फिफ्थ पॉइंट है कि आप थोड़ा सा उनकी तरफ झुक कर बात करें। ये बहुत सटल होना चाहिए ताकि सामने वाले को ऑकवर्ड ना लगे। जब आप लोगों की तरफ झुकते हैं तो उन्हें सबकॉन्शियसली ये लगता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनकी बातों में। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप उल्टा एग्जाम्पल लें कि अगर आप उनकी तरफ झुकने की जगह आप उनसे उल्टा झुकेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि उनको लगेगा कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं और उनसे दूर जाना चाहते हैं। जैसे ही आप लोगों से ओपन बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट रख के मिलते हैं तो आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना लिया है। अब उनके साथ रैपो बनाने के लिए, एक केमिस्ट्री बनाने के लिए आपके पास 90 सेकंड से कम टाइम होता है। दोस्तों, अच्छी केमिस्ट्री बनाना एक केमिकल फॉर्मूले जैसा ही है। अगर आप सही चीजें मिलाएंगे तो आउटपुट आपको जो चाहिए वो मिलेगा। रैपो बनाने के लिए मेनली 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला है एटीट्यूड और दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन। एटीट्यूड,
आपका माइंड और आपकी बॉडी अलग अलग इमोशंस डिस्प्ले नहीं कर सकता। आपका बॉडी लैंग्वेज जैसे कि पोस्चर, एक्सप्रेशन, जेस्चर आपकी आधी से ज्यादा बातें बता देता है। बहुत लोगों को लगता है कि शोल्डर के नीचे जो होता है उसे ही बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि आपके हैंड जेस्चर्स हो गए, आप कैसे खड़े हैं, ये हो गया। लेकिन बॉडी लैंग्वेज में आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हेड का टिल्ट और नॉड करना भी इंक्लूडेड है। कई बार आपका दोस्त जो थोड़ा दुखी लग रहा होता है उससे अगर आप पूछेंगे कि वो कैसा है तो वो रिप्लाई करता है आई एम फाइन, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन आपको देख कर ही पता चल जाता है कि वो फाइन नहीं है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि किसी करीबी से आपकी लड़ाई हुई, आप कमजोर ना लगे इसीलिए मेंटली आप खुद को समझा लेते हैं कि लोगों के सामने आप कूल एक्ट करेंगे, टफ एक्ट करेंगे, लेकिन आपके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है कि आप दुखी हैं या फिर आप गुस्सा हैं। आप जितना भी ट्राई कर ले आप नॉर्मल दिन की तरह खुश होकर लोगों से नहीं मिल पाएंगे। इसका रीजन यह है कि सिर्फ आपका दिमाग ही नहीं, आपकी बॉडी भी इमोशंस को स्टोर करके रखती है। इसीलिए जब आप किसी से मिल रहे होते हो तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, जैसे कि कॉन्फिडेंट, हेल्पफुल, वार्म। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आपने अपने मन में ही सोच लिया है कि इससे मुझे नहीं मिलना और ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि आप इम्पेशेंट हो जाएंगे, बोर्ड हो जाएंगे, उससे रूडली बात करेंगे और ये सामने वाले को दिख जाएगा। कम्युनिकेशन इस मामले में थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें लगता है वो सच नहीं होता है। आपको क्या लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स का लोगों पर कितना परसेंट इम्पैक्ट होता होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 50-50, 60-40, 70-30? आपके वर्ड्स सिर्फ 7% ऑफ द कम्युनिकेशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 7%। आपके विजुअल या फिर लोगों को क्या दिखता है, जैसे कि आपके हैंड जेस्चर हो गए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, ये 55%। और आपके वोकल्स, जैसे कि आपकी टोन, आपके बोलने की स्पीड, ये 38% ऑफ द कम्युनिकेशन करती है। हम जब मूवी देखते हैं तो हमें पता है कि सारे कैरेक्टर्स नकली हैं और सिर्फ एक कहानी चल रही है हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम इससे कितना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। जब कोई इमोशनल सीन आता है तो हम रोते हैं, अगर हमारे फेवरेट कैरेक्टर को कोई कुछ बोल दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। ये एक्टर्स इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि एक्टर्स कॉन्ग्रुअस एक्टिंग करते हैं, यानी कि उनके विजुअल, वोकल और वर्बल एक जैसा मैसेज देती है, ना कि अलग अलग। जब भी आप अलग अलग मैसेज देते हैं, जैसे हमारे केस में आई एम फाइन वाला एग्जाम्पल था, तो लोगों को ये इनकॉन्ग्रुअस बिहेवियर पता चल जाता है। दूसरी चीज जो रैपो बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सिंक्रोनाइजेशन। हर पर्सन का सबसे फेवरेट पर्सन इस दुनिया में वो खुद है। लोग अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं, अपने जैसे लोगों को जॉब देते हैं, अपने जैसे लोगों को ही डेट करते हैं। अगर आपको ज्यादा लाइकेबल बनना है, एक अच्छा रैपो बनाना है, तो सामने वाले लोगों की तरह ही बनना होगा, थोड़ी देर के लिए कम से कम। हमने देखा था कि कैसे हम विजुअल, वर्बल और वोकल यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपको भी इन तीन चीजों को सिंक करना होगा। पहला है विजुअल, यानी कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर को कॉपी करना। ये बहुत फेमस टेक्निक है जिसे मिररिंग कहते हैं। जैसे कि बात करते करते सामने वाला अगर राइट हैंड से जेस्चर दे रहा है तो आप भी सटली ऐसा करें। अगर वो अपने हैंड्स को अपने हिप्स पर रखता है तो आप भी ये जेस्चर कॉपी करें। ध्यान रखें कि इसमें आप बेवकूफ ना बन जाएं। जैसे कि अगर वो अपने कान खुजलाता है तो आप इस जेस्चर को कॉपी ना करें, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते समय आप उनके पोस्चर को भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो ब्रॉड शोल्डर्स करके कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं तो आप भी ऐसा करें। विजुअल कैटेगरी में आप फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी नॉडिंग स्टाइल को भी सटली कॉपी करें। अगर वो सैड है तो आप भी सैड एक्सप्रेशन दें। वो आपसे बात करते करते अगर नॉड कर रहे हैं तो आप भी नॉड करें। इससे आपका रैपो बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरा कैटेगरी है वोकल, यानी कि लोग जिस टोन में और जिस स्पीड में आपसे बात करते हैं आप भी उसी टोन और स्पीड में उनसे बात करें। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त एक्साइटेड होकर आपको कहता है, अरे तूने भाई की मूवी देखी, क्या मस्त एक्टिंग की है, तो आप भी उसे ऐसे ही टोन में रिस्पॉन्ड करें, अरे हाँ यार, इस पिक्चर में तो भाई ने फोड़ फाड़ मचा दिया है। अगर वो आपसे धीरे टोन में बात करता है तो आप भी उसी टोन में रिप्लाई करें, अरे तूने भाई की मूवी देखी, क्या मस्त एक्टिंग की है, तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, अरे हाँ यार, इस पिक्चर में तो भाई ने फोड़ फाड़ मचा दिया है। तीसरा है वर्बल, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप दोनों के बीच में कॉमन हो। आपने देखा होगा कि किसी ग्रुप में अगर किसी को कॉमन टॉपिक मिल जाता है, जैसे कि क्रिकेट, पबजी, कॉमन बर्थ प्लेस या कॉमन एनिमी, तो ऐसा लगता है मानो लोग एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। याद रखें कि लोगों को अपने जैसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं। कॉमन टॉपिक खोजते हुए आप अपने वोकल और बॉडी लैंग्वेज को सिंक्रोनाइज करना ना भूलें। इससे आप पहले 90 सेकंड में एक बहुत अच्छा रैपो क्रिएट कर पाएंगे। अब ये रैपो बनने के बाद जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन को लंबे समय तक चला पाएं।
दोस्तों ये आपके साथ भी हुआ होगा, कई बार कॉन्वर्सेशन में आपको पता नहीं चलता कि आगे क्या बोलना और एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। ये किसी पार्टी में, किसी बिजनेस मीटिंग में, टीम डिनर पर या ट्रेन में सफर करते समय ये कहीं भी आ सकता है। अगर ये आपके साथ बार बार होता है तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको बात करना नहीं आता। लेकिन सच ये है कि आपको बात सुनना नहीं आता है। कॉन्वर्सेशन को बनाए रखने के लिए बात सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार आप लोगों की बात सुनते हैं लेकिन इंटरेस्ट से नहीं सुनते, और जैसे ही उनकी बात खत्म होती है आप खुद की बात करने लग जाते हैं। आप ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो खुद के बारे में बोलना बंद ही नहीं कर पाते हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा अनोइंग भी लगते हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों आज हम कम्युनिकेशन का नया रूल देखेंगे। कम्युनिकेशन में आपका सबसे ज़रूरी काम है दूसरे लोगों को बोलते रखना, और इसके लिए आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, सही क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, ओपन क्वेश्चंस एंड क्लोज क्वेश्चन, और आपका एम होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन क्वेश्चंस पूछें। ओपन क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब सामने वाला इंसान हाँ या ना से नहीं दे सकता है। ये क्वेश्चन शुरू होते हैं हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ से, यानी कौन, कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे से। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर फेवरेट मूवी स्टार, तुम्हारा फेवरेट मूवी स्टार कौन है, आंसर SRK। तो आप आगे पूछ सकते हैं व्हाई डू यू लाइक हिम, वो आपको क्यों पसंद है, और इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप क्लोज सवाल पूछते हैं, यानी ऐसे सवाल जो स्टार्ट होते हैं आर यू, डू यू, हैव यू से, तो इनका जवाब यूजुअली हाँ या ना में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम हॉर्स राइडिंग करते हो, नहीं मैं हॉर्स राइडिंग नहीं करता। इसके बाद कॉन्वर्सेशन रुक सा जाता है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप ओपन एंडेड सवाल पूछें। कई बार आप एक कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं एक लिफ्ट में, प्लेन या बस राइड में, या फिर किसी मॉल में, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह बंद पड़ जाता है, फ्रीज कर जाता है और आप कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप 5 सेकेंड रूल लगाकर तुरंत स्माइल करके उन्हें ग्रीट करें, हाय, गुड मॉर्निंग। इसके बाद आप एक ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जो ज़्यादातर जगह काम आता है, लोकेशन से जुड़ा, आप कहाँ रहते हैं या आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये सवाल लोगों को ऑकवर्ड फील नहीं कराता और जेन्युइन क्वेश्चंस लगते हैं। कुछ और ऐसे सवाल के एग्जाम्पल जो आप अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, आपने ये मूवी या कॉन्सर्ट क्यों चुना, आपका कुत्ता बहुत प्यारा है, ये किस ब्रीड का है, आपको पता है कि मॉल का मैप कहाँ देख सकता हूँ मैं, क्या आप हमेशा से यही रहते आए हैं, एक्सेट्रा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन का कि आप एक्टिव लिसनिंग करें, लोगों की बातें सुने और उससे रिलेवेंट सवाल पूछें, नॉड करके, ओके, आई सी जैसे एक्सप्रेशंस यूज करके उन्हें बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। अगर आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो आप लोगों के क्लूज जो आते हैं कॉन्वर्सेशन में उसे पिक करके कॉन्वर्सेशन को और ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। इन क्लूज को मिस ना करें। एग्जाम्पल, एक स्टेशन के बेंच पर पूर्णिमा बैठकर बुक पढ़ रही थी, उस दिन ट्रेन लेट थी और स्टेशन खाली था। शुभम स्टेशन जल्दी पहुंच गया था और पूर्णिमा के बेंच पर जाकर पूछता है कि क्या वो वहां बैठ सकता है, जिस पर पूर्णिमा धीमी आवाज में कहती है आई डोंट माइंड। शुभम कॉन्वर्सेशन शुरू करता है और कहता है मैंने आपको यहाँ पहले कभी देखा नहीं है, जिस पर पूर्णिमा कहती है ये मेरा पहला दिन है और मैं एक एड एजेंसी में काम करना शुरू कर रही हूँ, जिस पर शुभम रिप्लाई करता है कि कभी कभी तो यहाँ सीट ही नहीं मिलती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर शुभम ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो पूर्णिमा से एड एजेंसी के बारे में पूछ सकता था और अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकता था। इसीलिए जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुने और सही सवाल पूछें। अब आपके लिए एडवांस बोनस टिप, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस किया था, कम्युनिकेशन में आप जितना ज़्यादा विजुअल डिटेल डालेंगे, लोगों को जितना ज़्यादा इमेजिन करवा पाएंगे, लोग आपकी बात उतनी ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछता है कि आपका वीकेंड कैसा रहा और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकला और मैंने किताब पढ़ी। आपका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा भी हो सकता था, मौसम काफ़ी ठंडा सा था, आपने गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाई और खिड़की के साइड पर टेबल रखी, खिड़की से थोड़ी थोड़ी बारिश अंदर आ रही थी और आप गर्मा गर्म कॉफ़ी पी रहे थे और भजिए खा रहे थे साथ में, ये करते करते आपने अपनी फेवरेट नॉवेल पढ़ी और काफ़ी मज़े किए। इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? आई एम श्योर सेकेंड वाली। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, इससे हमारे जैसे छोटे चैनल को विजिबिलिटी मिलती है। यहाँ तक आपने देखा है इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज। और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें। धन्यवाद।